आइए एक एक बार सुनने लायक लिखी है। समय के ऊपर ये उपदेश लिखा कवि ने, क्या बताया सुनते हैं उपदेश के बाद। अरे कहाँ गया पहलम आला खाड़ा पाड़ा कहाँ गया, पहलम आला खाड़ा पाड़ा कहाँ गया, अरे कहाँ गया कहाँ रे गया, हो वो पहलम आला खाड़ा पाड़ा कहाँ गया, पहलम आला खाड़ा सजनों बताया है कवि ने। अच्छा ये बताओ, मेरे शब्द तो सबको समझ में आ रहे हैं पीछे तक, हाथ उठा के बता दो एक बार, क्योंकि रागिनी में शब्द प्रधान होते हैं। बताया है कवि ने कि ना तो पहले जैसा खाना पीना रहा, ना पहले जैसी यारी और रिश्तेदारी रही, मेहरबानों पहली कली है। आइए क्या लिखा, जोड़ी हल जुआ ना रहे, दो बैलों की जोड़ी हल जुआ ना रहे, दो बैलों की जोड़ी हल जुआ ना रहे, सामी पोते आज चलते नहीं कहना, खेतों वाली बात अब पढ़ती दिखे ना, खेतों वाली बात अब पढ़ती दिखे ना, खेतों वाली बात अब पढ़ती दिखे ना, अरे कहाँ मेरे परम आदरणीय ओम वीर जी मुजफ्फरनगर से भाई 101 रुपए से इन शब्दों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली उनके लिए लगा दो, जोरदार ताली। आइए क्या लिखा भला, आज हमारे समाज में हमारी माता बहने इधर देख लो सब पल्ला करके बैठी हुई हैं, लेकिन परमादरणीय संजय नागर जी वो भी 51 रुपए से हमारा मान सम्मान करें, उनके लिए भी बार बार हार्दिक धन्यवाद है। नोएडा दिल्ली और इन शहरों में जाकर देख लीजिए, किसी के सर पर पल्ला नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई लड़कों ने तो बाल बढ़ाने चालू कर दिए। अगर कोई लड़का लड़की जा रही है तो यू अंदाज नहीं हो सकता कि ये लड़का जा रहा है क्या लड़की जा रही है। छोटा बच्चा, क्या नाम बेटा, अक्षित, 101 रुपए से हमारा मान सम्मान कर रहा है। लड़कों ने तो बाल बढ़ाने चालू कर दिए, लड़कियों ने कटवाने चालू कर दिए, पता ही नहीं पड़ता। आइए दूसरी गली के माध्यम से क्या लिखा, सावन में बागों में पीर
फकीर झोलन जाती ना थोड़े सी बिठा ले ऐसे संगी साथी ना थोड़े सी बिठा ले ऐसे संगी साथी ना थोड़े सी बिठा ले ऐसे संगी साथी ना पहले माले अब तो कुठला कोठी ना मिले बाल को केसर पे रखते चोटी ना मिले बेझड़ की जो खाया करते रोटी ना मिले पहलम याले घर घर छोटा छोटी ना मिले छोटा छोटी ना मिले पहलम यारे घर घर छोटा छोटी ना मिले अरे कहाँ गया कहाँ रे गया हो मुझो पे बल लाना आज कहाँ गया मुझो पे बल लाना आज कहाँ गया और मेरे भाइयों ने मेरे दिल के टुकड़ों ने मेरा जो मान सम्मान बढ़ा है पहली बार इस गांव में आया हूं मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके नौजवान साथी को एक बार जोरदार ताली मार दो जोरदार ताली। और मेरे परम आदरणीय महेंद्र पंडित जी ननूपुरा से निकुल और देव फौजी जी हाँ निकुल और देव फौजी जी मेरे भाई मान सम्मान किया है भाई मोहित सभी का हार्दिक धन्यवाद है। रागने अच्छी लग रही हो तो कवि के लिए एक बार जोरदार ताली मार दो जोरदार ताली। आइए अगले गली में क्या लिखा बला अच्छा ये बताओ कि आज क्षेत्र में कितने गांव में अखाड़े चलते हैं पहलवानी का शौक है नहीं है क्योंकि हमारे जो नौजवान साथी हैं सांझ को 4 बजते ही कच्ची मिल जाओ इंग्लिश मिल जाओ देसी मिल जाओ चाहिए जरूर वे पहलवानी कर रहे हैं उनको तो नशे की लत लग चुकी है क्या क्या चीज बदली आइए क्या लिखा बोला झोली ठेला ना रहे पहले आड़े सच्चे मजरू लेला ना रहे पहले आड़े सच्चे मजरू लेला ना रहे आइए पहले आड़े सच्चे मजरू लेला ना रहे अरे कहाँ गया कहाँ रे गया हो मुग धड़का उठाना आज कहाँ गया मुग धड़का उठाना मेरे परम आदरणीय मेरे भाई तनु सुनाकर जी भाई 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं उनका बार बार हार्दिक धन्यवाद। और मेरे दिले अजीज सुधीर गुजर जी मेरठ से भाई 1100 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं इस रागने का एक बार जोरदार ताली मेरे भाई रघुराज सिंह नागर जी वो भी 500 रुपए देकर इस रागने का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद है भाई एक बार जोरदार ताली बिल्कुल आज हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्ग बैठे होने को पता है कि पहले देसी दवाइयों पर लोग कितना विश्वास करते थे वो पुराने हकीम वो पुराने वैद्य आज कहां चले गए आज कोई देसी दवाओं पर विश्वास नहीं करता। चार चार दिन
मेरे भाई प्रमोद कसाना जी मुरादाबाद से, प्रदेश अध्यक्ष नेताजी हमारे राष्ट्रीय गुर्जर विकास मंच उत्तर प्रदेश, 1100 रुपए से मान सम्मान करेंगे और जोरदार ताली, जोरदार ताली। चरखे की कताई अब कहा, ब्यासादी में बतल की जी माई अब कहा, ब्यासादी में बतल की जी माई अब कहा, ब्यासादी में बतल की जी माई अब कहा। की चक्की पिसा करती नार अब कहा, नरेश चंद कोसी पहला प्यार अब कहा, नरेश चंद कोसी पहला प्यार अब कहा, नरेश चंद कोसी पहला प्यार अब कहा। अरे कहां गया, कहां रे गया, हो गुरु बदले का हो